हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे लोअर पीसी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र के टो सीरीज से काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपका छूट गया है एक भी प्रैक्टिस सेट तो चिंता करने की कोई बात नहीं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं सभी के प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बना दिया है मैंने, वहाँ पर जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और आज से मैंने स्टार्ट किया है टॉप क्वेश्चन का सीरीज़ दोस्तों यहाँ पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और अगर आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको जीएस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जितना भी समय बचा है अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 20 प्लस क्वेश्चन आपका सही जाता है मतलब आपका जीएस बहुत ही अच्छा तैयार है। तो देखते हैं 25 क्वेश्चन में से कितना आप सही करते हैं। इसके लिए आपको साथ साथ आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो करने में बताना है कि 25 में से कितने आपके सही गए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, ये सीरीज पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोअर पीसीएस प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों, तो एल्बो पब्लिकेशन की तरफ से लास्ट डेज प्रिपरेशन नोट्स तैयार किया गया है दोस्तों। जी हाँ, मैं अपने छात्रों को इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ जो मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मेरे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि 35 रुपीज़ जरूर इन्वेस्ट करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इसमें खास बात यह है कि इसमें 4000 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके दिए गए हैं 1 लाइन के माध्यम से। इनको आप अंतिम समय में रटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बेस्ट टीचर के द्वारा तैयार किए गए हैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। इतना ही नहीं, मैथ और रीजनिंग के सिलेक्शन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक सारे सब्जेक्ट और 20 फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और एक खास बात और है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं बाइलैंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस नोट्स को आप जरूर परचेज करें। 35 रुपये के लिए बिल्कुल ना सोचें, 35 रुपये में आपको 675 पेज का ये नोट्स आपको मिल रहा है। इतना अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी छात्र इच्छुक हैं इस नोट्स को पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए, इस नोट्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से इस बुक को जरूर परचेज करें, अपनी तैयारी को अंतिम दिशा दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेस्ट। समान विज्ञान का 76 से स्टार्ट होता है, सभी लोग आंसर साथ साथ करते जाइएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई विशालतम है। 76 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, व्हेल। क्योंकि ह्वेल जो है, ह्वेल समुद्र में रहने वाली एक स्तनधारी मछली है, जिसे जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नज़रिए से स्टेसिया के गण में शामिल किया गया जाता है। ह्वेल अक्सर भीमकाय आकार के होते हैं और सभी स्तनधारियों के तरह वे सांस केवल वायु में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। 77 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर दीजिए फटाफट। जी हाँ, 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। 78 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है दोस्तों, ध्रुव रेखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। तापमान का SI मात्रक क्या है। SI मात्रक और MKS मात्रक, ये सभी आप लोग याद करके जाएं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक से दो प्रश्न देखने को मिलेगा। 79 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। 79, जी हाँ, 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, कैल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, दूध के pH की प्रकृति क्या है, ठीक है, दूध के pH की प्रकृति क्या है, ठीक है, pH मान। 80 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। 80 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, थोड़ा अम्लीय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है। 81 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए आप लोग। 81 का सही उत्तर, देखिए, 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चॉकलेट दूध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 82 का राइट आंसर दें आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, जापान। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सोचा होगा कि ये तो जीएस पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ पर करंट अफेयर क्या आ गया? करंट अफेयर नहीं है दोस्तों, ये जनरल साइंस से ही संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी भूमंडल मंडलीय तापमान में वृद्धि खतरों पर जापान के क्योटो शहर में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 1997 तक जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 160 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के चौधरी ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राहुल एस्ट्रेड ने की थी। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर दें आप लोग। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 का बी ऑप्शन सही है, रॉबर्ट एडवर्ड्स। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? बताएं 84 का राइट आंसर। दें आप लोग फटाफट। आप सभी को पता है दालचीनी मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है खाना वगैरह में, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। 84 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर से दोस्तों, छाल। जो पेड़ होता है, पेड़ का जो छाल होता है वही दालचीनी की लकड़ी कही जाती है, ठीक है, उसको उसका जो निकलता है परत जो पेड़ के ऊपर से निकलता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का डाइस है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है दोस्तों, हार्मोन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86, देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? 86 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है, ठीक है, फेफड़े की धमनियां। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87, देखिए, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? 87 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन बी सही है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? 88 का राइट आंसर दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर, 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही दोस्तों, पीला। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, देखिए, एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? बताएं 89 का राइट आंसर। जी हाँ, 89 का सही उत्तर, 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ठीक है, 90 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, 90 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग। जी हाँ, 90 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्रोयोलाइट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? ये बार बार हर प्रैक्टिस सेट में पूछा जाता है। 91 का राइट आंसर दें, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 91 का राइट आंसर सभी लोग देंगे फटाफट। ये प्रश्न दो रूप में आते हैं, जीके में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न जीएस में भी पूछा जाता है। जीएस में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो केमिकल है वो जीएस से संबंधित है, और आपका जीके में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा जो आगे लेटेस्ट घटना हुई है उसमें मिला है, ठीक है। तो 91 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ठीक है, मिथाइल आइसो
साइनेट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92 है, लेकिन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए, उनके खोज दिए गए हैं, तो यहाँ पर उनका उनके खोज से मिलान कीजिए। 92 का राइट आंसर। नाइन्टी टू का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ठीक है। यानी ये आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस होगा, पहला का आपका सी से मैच होगा, ठीक है, दूसरा का डी डी है आपका, ठीक है, उसके बाद में आपका तीसरा का ए है और चौथा का आपका बी है, ठीक है, रेडियम। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए देखिए थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। 93 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर फटाफट दे दीजिए। 93 का राइट आंसर डी ऑप्शन, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। 94 का राइट आंसर। जी हाँ, 94 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 94 का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, ठीक है। 95 का राइट आंसर। 95 का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पर सही दोस्तों, ठीक है, ए बी प्लस, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि प्रश्न दृष्टि देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है। 96 का राइट आंसर जल्दी जल्दी करें आप लोग। ऑप्शन ए सही, यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 97, साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर। जी हाँ, 97 का सही उत्तर दीजिए। 97 का सी ऑप्शन से पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया के की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए। 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ऊष्मा का उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। 99 का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही है, NaCl, ठीक है। अगला प्रश्न है और ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। 100 नंबर का राइट आंसर दें। इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए हैं और 25 में कितने आपने सही किए हैं ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चन चाहते हैं तो उसको भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट कौन से प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितना भी समय बचा है वो भी आप हमें बुक का नाम सजेस्ट कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। 100 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। और जाते जाते एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप सोच रहे हैं इस बुक को खरीदने के लिए तो देर बिल्कुल मत करें। लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इस बुक को जल्दी से परचेज कर लें। और इसमें सबसे पहले अभी जो 4000 क्वेश्चन का सीरीज दिया गया इसको रटने में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। उसके बाद आपको मैथ रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ शॉर्ट ट्रिक और सारे सब्जेक्ट 23 मॉक टेस्ट और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से खरीदिए और अंतिम दिशा दीजिए अपनी तैयारी को। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।